अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट के क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको एक न्यू राउट की फाइल और कंट्रोलर की फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए राउट के अंदर एक न्यू फाइल बना लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे रेस्टोरेंट राउट्स डॉट जेएस। और यूजर राउट को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी, और रेस्टोरेंट राउट के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। मिडलवेयर हमको चाहिए, कंट्रोलर की फाइल को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, साथ ही में जितने राउट्स हैं ना उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर रिमूव कर लेंगे, सिर्फ सेव कर लेंगे। अभी टेम्प्ररी एम्प्टी फाइल अपने पास राउट्स की बन चुकी है। इसके बाद में एक न्यू कंट्रोलर फाइल रेस्टोरेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसमें हम क्या करेंगे फंक्शंस बनाएंगे, और साथ ही में क्या करेंगे सर्वर डॉट जेएस की फाइल में जैसे हमने टेस्ट और यूजर को ऐड किया था उसी तरीके से रेस्टोरेंट को भी ऐड कर देंगे। सो ऐप डॉट यूज ऑफ, फिर इसके बाद में नेमिंग कन्वेंशन API /V1, और इसके बाद में रेस्टोरेंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे रिक्वायर कर देंगे हमारी फाइल को। सो आप लिखेंगे रिक्वायर डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है रेस्टोरेंट राउट्स, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इस फाइल को, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रेस्टोरेंट राउट के अंदर सबसे पहले एक न्यू राउट बनाएंगे, और इसमें हम क्या करने वाले क्रिएट करेंगे रेस्टोरेंट को, और इसमें जो मेथड है वो रहेगा पोर्ट। तो कमेंट हमने बना लिया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, उसके बाद में URL, इसमें हम इसका सिंपली रख देंगे क्रिएट क्योंकि रेस्टोरेंट को इसमें क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद में ऑथ मिडलवेयर को भी हम ऐड कर देंगे, और फिर कंट्रोलर फंक्शन, तो कंट्रोलर हमको अभी क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। कमेंट बना लेते हैं पहले शुरू, क्रिएट रेस्टोरेंट कॉन्स्ट क्रिएट रेस्टोरेंट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे हम क्या करेंगे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्रिएट रेस्टोरेंट कंट्रोलर, सेव कर लेते हैं इसको, और रेस्टोरेंट राउट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट रेस्टोरेंट कंट्रोलर, देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको, रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, और ये कॉल बैक है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें हम रिसीव करते हैं। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500, और उसके बाद में फिर सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मैसेज एरर इन क्रिएट रेस्टोरेंट API, और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई में हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें गेट करना है रिक्वेस्ट और बॉडी में से। कौन कौन सी चीज़ों को, देखिए जो भी अपने पास मॉडल में है जैसे टाइटल इमेज URL फूड्स टाइम्स पिकअप, तो इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेट करेंगे। सो आप क्या करें पहले शुरू उसको गेट कर ले यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इनको जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कॉन्स्ट, इसमें कर लेते हैं रेस्ट डेटा यानी रेस्टोरेंट डेटा, और ये मिला के है रेस्टोरेंट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी में रेस्टोरेंट डेटा हमको मिलेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप वन बाय वन सभी को यहाँ पर गेट कर सकते हैं फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जैसे कि कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, तो वन बाय वन आपको ऐड करना है जैसे कि टाइटल, और क्या क्या चीज़ें इसमें क्रॉस चेक करें आप एक बार, मैं बाकी की फाइल्स को जो है ना कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये है रेस्टोरेंट मॉडल, इसके बाद में हमारे पास है इमेज URL, सो इमेज URL, उसके बाद में है फूड्स, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे फूड्स को भी, उसके बाद में है टाइम, टाइम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऑप्शनल है, सो पिकअप को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास है डिलीवरी, सो कॉपी, वन बाय वन आप सभी को जो है इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर भी वैलिडेशन परफॉर्म करना है तो, वरना आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे ना फिर वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ वन बाय वन सभी को ऐड कर रहा हूँ, आप भी क्या करें यहाँ पर वन बाय वन सभी को ऐड करें, सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट सभी को जो है ऐड कर दिया है। ऑप्शनल चीज़ों में हम क्या करेंगे वैलिडेशन भी ऐड कर देंगे, रेटिंग काउंट बचता है इसको भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मैं रेटिंग काउंट भी ऐड कर देता हूँ, और कोड है तो कोड भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और क्या बचता है कॉर्ड्स बचता है ना, सो कॉर्ड्स को भी आपको ऐड करना है।
इतने सारी चीजें हमको ऐड करना है, सेव कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको इतने सारी चीजें चाहिए। अब इसका वैलिडेशन भी आप ऐड कर सकते हैं कि क्या चीजें मस्ट है यूजर को प्रोवाइड करना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक बेसिक सा वैलिडेशन देख लेंगे, आप चाहे तो उसको फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ नॉट टाइटल, यहाँ पे हमको टाइटल चाहिए, और की कंडीशन ऐड कर देता हूँ डबल पाइप सिंबल। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ों में हमने रिक्वायर करके रखा है, टाइटल में ही करके रखा है और कहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं किया है। टाइटल और एड्रेस कर लेंगे हम, ठीक है। एड्रेस हमारा कॉर्ड्स में है, कॉर्ड्स अगर ये नहीं तब हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे यहाँ पे, फॉल्स मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड टाइटल एंड एड्रेस, ये दो चीज़ें तो मस्ट है। सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। सो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, फॉन्स न्यू रेस्टोरेंट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे, हमारे पास है रेस्टोरेंट मॉडल। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करें ऑटोमेटिकली ये टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट अवेट करने के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अवेट के बदले आप क्या करें, न्यू ऑब्जेक्ट बना ले इसका, सो न्यू मॉडल, और इसके अंदर सारी चीज़ों को आपको पास कराना है, जैसे कि टाइटल इमेज यूआरएल, ये जितना भी ऑब्जेक्ट है ना इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पास करा देंगे। मेक श्योर यहाँ पे जो स्पेलिंग है और मॉडल के अंदर जो स्पेलिंग है वो सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो ये चीज़ हमने पास करा दी, अब हम क्या कराएंगे, इसको सेव करा देंगे। कैसे सेव कराना है, बहुत सिंपल है, अब डायरेक्ट हम अवेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो न्यू रेस्टोरेंट है उसमें हम क्या करेंगे, सेव फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, तो न्यू रेस्टोरेंट यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 201, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पर हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, न्यू रेस्टोरेंट क्रिएटेड, या फिर सक्सेसफुली भी कर सकते हैं, न्यू रेस्टोरेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो आप क्या करें, इसका एक ऑब्जेक्ट बना ले पहले शुरू। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक डेटा के नाम से एक फाइल बना के रखा है यहाँ पर, डेटा डॉट जी एस, जिसमें थोड़ा सा डमी डेटा है। तो इस डेटा को मैं जो है टेस्ट करने वाला हूँ रेस्ट एपीआई में, क्योंकि मैनुअल इतना सब टाइप करूंगा तो काफ़ी टाइम इसमें जा सकता है। तो पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को रन कर लेंगे, यहाँ पर आपको npm रन सर्वर लिखना है, ये है सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, इस फूड ऐप के अंदर थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे रेस्टोरेंट, और इसको कैपिटल में कर लेता हूँ। और इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, ऐड रिक्वेस्ट, इसमें हम क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले, सो क्रिएट रेस्टोरेंट, मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, फिर यूआरएल पैटर्न, तो यहाँ तक के मैं कॉपी रखता हूँ उसको, सेम लॉगिन के बदले हमारे पास रहेगा रेस्टोरेंट स्लैश क्रिएट, मेक श्योर इसको क्रॉस चेक करें, एक सर्वर डॉट जे एस की फाइल में हमारे पास, तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको, सर्वर डॉट जे एस की फाइल में यहाँ तक है, देख सकते हैं आप, स्लैश ई पी स्लैश वी वन, सो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैं इसके बदले इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, डबल स्लैश हो गया, इसको कट कर लेंगे, रेस्टोरेंट स्लैश क्रिएट, ये सब राउट है रेस्टोरेंट राउट के अंदर, देखिए हमने क्रिएट के नाम से बना के रखा है। उसके बाद में हमको क्या करना है, लॉगिन में से पहले शुरू जो है ना टोकन को भी कॉपी करना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले ताकि टोकन भी हमको मिल जाए, देखिए सक्सेस ट्रू, और ये जो टोकन है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और हेडर्स के अंदर हम यहाँ पे ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है बीयर, उसके बाद में टोकन को पेस्ट कर लेंगे, फिर बॉडी, उसके बाद में रॉ डेटा, उसके बाद में जेसन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उसके अंदर आपको सारा का सारा डेटा पास कराना है, कौन सा डेटा, जो चीज़ें हम यहाँ पर गेट करने वाले कंट्रोलर के अंदर, टाइटल इमेज यूआरएल फूड टाइम पिकअप, ये सारी चीज़ें आपको पास कराना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो है बना के रखा है डेटा, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, जितना भी डेटा है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे हम, कॉपी, कॉपी करने के बाद चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, देखिए काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे सबको आपको जो है डबल कोट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा, सो
यहाँ पे मैं सभी को जो है सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये जेसन है ना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आपको जो है सभी को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में रैप करना पड़ता है। तो सभी को मैं पहले शुरू करेक्ट कर लेता हूँ। तो सभी को मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पर सेंड करके भी ट्राई कर लेंगे। साथ ही में MongoDB कॉम्पस को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता हूँ। सो यहाँ पर आप कनेक्ट कर ले अपने क्लाउड डेटाबेस से, और हमारे एप्लीकेशन का नाम है फूड ऐप या रेस्टोरेंट ऐप, दोनों भी आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन अपने पास बन चुका है रेस्टोरेंट के नाम से, अभी फिलहाल ये एम्प्टी है, तो चलिए क्रिएट करके ट्राई कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एरर है, ओके 404 नॉट फाउंड लोकल होस्ट। अच्छा एपीआई डबल डबल हो गया, सो इस एपीआई को मैं रिमूव कर लेता हूँ अब। ठीक है चलिए फिर से सेंड पर ट्राई करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुल न्यू रेस्टोरेंट क्रिएटेड। अब इसको जो है कॉम्पस में एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं MongoDB कॉम्पस में, अभी कोई भी डेटा नहीं है अपने पास, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए एक रेस्टोरेंट अपने पास क्रिएट हो चुका है। इसमें आप पढ़ सकते हैं टाइटल है, इमेज यूआरएल, फूड फूड का एरे है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, देख सकते हैं डिश नेम, डिश पिक, डिश प्राइस, और साथ ही में टाइम है, पिकअप डिलीवरी इज ओपन, सारी फील्ड्स हैं ऑलमोस्ट जो भी हमने मॉडल के अंदर रखा था ना, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा क्रिएट का एपीआई बराबर से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे ये डेटा को, और मैं क्या करता हूँ एक और जो है ना यहाँ पर डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है ना, इसके बदले हम क्या कर लेंगे, इसको कर देंगे बर्गर किंग कर लेते हैं, और इमेज भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, मैं सेम रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अभी फिलहाल के लिए। चिकन पिज़्ज़ा के बदले चिकन बर्गर, और प्राइस इसका कर लेंगे $2, और बाकी सब कुछ सेम है, 9 AM to 10 to 10 कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर रहे इसीलिए 10 to 10 कर लेते हैं। पिकअप हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉल्स कर लेंगे और डिलीवरी ट्रू कर लेते हैं। ठीक है पिकअप ट्रू कर लेते हैं और डिलीवरी जो है ना वो फॉल्स कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इज ओपन ट्रू कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। मुंबई के बदले आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैदराबाद, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए एक और न्यू रिकॉर्ड अपने पास क्रिएट हो जाएगा। चलते वापस डेटाबेस में रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दो रिकॉर्ड्स अपने पास बन चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो है ना गेट करेंगे, सिंगल भी गेट करेंगे और पूरी लिस्ट को भी गेट करने का ट्राई करेंगे।